घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। एक काम करना, पब्लिक पाका हटा दे तेरी यार, जला डाल यार, लगे ना तो। हेलो दोस्तों, कमाल के फंडाडू चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बातें, कमाल चीज़ें, कमाल की जगह, कमाल के व्यक्ति से रूबरू कराते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी कामों में व्यस्त होंगे। तो आइए, आज गढ़वा जिला के अंतर्गत आज नरेंद्र मोदी जी का स्पीच है और हमारे गाँव से भी बीजेपी सपोर्टर सब जा रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। तो आइए ब्लॉग के माध्यम से आप सबों को उनका स्पीच सुनाते हैं, तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहेंगे। सलवार ले लिए तो हम वीडियो बनाइएगा। फाइनली दोस्तों, जैसा कि हम लोग उपस्थित हो चुके गढ़वा जिला के अंतर्गत ये परठिया में और यहाँ गाड़ी का जैन सा लाभ लगा है। हम लोग सोचे थे ये लहर होगा, जा रहे हैं हम, जा रहे हैं हम लोग भी, जाइए जाइए काम पर जा रहे हैं। अच्छा ठीक, तो ये हम लोग सोचते थे जो लहर है लेकिन ये सुनामी है। और जैसा कि अभी ये जनसंपर्क जैसा कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और इस वर्ष का चुनाव भी हमको जैसा कि ये सुनामी से अवगत हो रहा है कि फिर इस बार बीजेपी की सरकार बनी, जैसा कि हमको जहां तक उम्मीद लग रही है। ये जन सैलाब गाड़ी का संख्या देखकर और दर्शक जो भी पब्लिक यहां आई हुई है, तो आइए चलते हैं और कुछ फुटेज देखा जाए। स्पीच चल रहा है यानी कि भाषण आप सबको सुनाई दे रहा होगा। मेला से कम नहीं है, देखिए मुख्य द्वार खुला हुआ है, सभी का एंट्री है। हमारे आइए देखते हैं, ये है जो भी आप कोई भी सम्मेलन में आए तो ब्लैक कपड़ा पहन के नहीं आए, ताकि ये होता क्या है जो ब्लैक कपड़ा पहन के लिए, ये देखिए कई बस अड्डा बनना था, कई पुलिया मंडी थी, कई स्कूल अस्पताल बनना था, कई बिजली की लाइन को उतरे थे, सात सोच लो। योगी
जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इसे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। फेंकेंगे एक एक वोट भाजपा को देंगे। रोटी बेटी माटी को बचाएगा। बचाओगे साथियों? झारखंड का तेज विकास तभी संभव है जब यहां ऐसी सरकार हो जो केंद्र की योजनाओं को तेजी से लागू करे। ये लोग खुद काम करते नहीं और दूसरों को भी काम करने नहीं देते। दशकों तक इनके कुशासन का नतीजा झारखंड में भुगता है। गढ़वा हो, पलामू हो, राज्य के ऐसे अनेक जिले हैं जिनको इन्होंने पिछड़ा घोषित कर रखा था। हमने यहां के विकास को प्राथमिकता दी। देश के जो अच्छे और युवा अफसर हैं उनको यहां तैनात किया। ऐसे जो हमारे आकांक्षी जिले हैं वहां अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, रोड, रेल, इंटरनेट, ऐसी हर सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। ये लोग कैसे योजनाओं में विरोध करते हैं, इसका उदाहरण उत्तर कोयल जलाशय मंडल डैम है। कई दशक पहले इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ये समय पर बन जाता लाखों किसानों को इसका लाभ मिलता, पानी के लिए तरसना न पड़ता। हमने इस परियोजना को गति देने का फैसला किया। इसके लिए हजारों करोड़ रुपए स्वीकृत किए। 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई। लेकिन यहां रोड़े अटकाने वाली जेएमएम सरकार बन गई। यहां जो डूब क्षेत्र के प्रभावित है उनके लिए पिछले साल ही हमने राज्य सरकार को स्पेशल पैकेज की मंजूरी दे दी। लेकिन राज्य सरकार ने प्रभावितों को एक पैसा भी नहीं दिया, लूटने में लगे रहे। यहां भाजपा एनडीए सरकार बनते ही इस योजना पर तेजी से काम किया जाएगा। साथियों के उम्मीदवार जहां जहां है उनको भारी मतों से विजयी बनाए। हमें मिलकर झारखंड को विकास के गढ़ जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। एक काम करना, हर परिवार में जाके कहना कि अपने मोदी जी गढ़वा आए थे, राम राम पहुंचा देंगे।
एक नौजवान बहुत बढ़िया चित्र बना के भी लाए हैं। हमारे सिक्योरिटी वालों से कहूंगा कि जरा तो चित्र उनसे लीजिए, जरा पीछे अपना पता लिख देना भैया, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा।
जैसे कि सभा का समापन हुआ, उम्मीद करते हैं लोग घर के लिए रवाना हुए। 50 किलोमीटर का दूरी सफ़र करके हम लोग आए हुए थे और आप सबों को ये छोटा सा इंफॉर्मेशन यानी कि ब्लॉग के माध्यम से दिखाने का काम किया। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिएगा और उम्मीद करते हैं छोटे से ये ब्लॉग रातों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। बाबूलाल मरांडी जी का गाड़ी जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी ब्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।